हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मैडम यू को उस क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। देन उसके बाद वहाँ पर यानली आई थी। यानली के साथ मिलकर विंग मार्केट गया था। वांगजी, जिनजुशान, यानली, ये चारों मिलकर मार्केट गए थे एंड थोड़ा बहुत इंजॉय किया था। उसके बाद वो घर में आए थे जहाँ पर विंग थका हुआ था एंड वांग जी ने जस्ट विंग से पूछा था, क्या तुम्हारा पीठ का जो घाव था वो ठीक हो गया है? जहाँ पे विंग ने कहा था कि दर्द नहीं हो रहा है। जिसके बाद वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करके उन दोनों के बीच में एक हॉट सा सेक्शन हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। डायरेक्टली मॉर्निंग का सीन था क्योंकि आज विंग को अपने क्लाइंट वापस जाना था। इसलिए जहाँ पे विंग जो था ना वो अभी रेडी हो रहा था, वांग जी जस विंग को जस बेड पर लेटे हुए वो देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि आप ऐसे सोए क्यों हो, उठ जाइए। जहाँ पे वांग जी जस एक स्माइल करता है और कहता है कि तुम उठाओ ना विंग मुझे। विंग कहता है मैं, और विंग वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी तो विंग से बड़ा था ना, तो विंग थोड़ी ना उठा सकता था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या क्या सोच रहे हो तुम अपने छोटे से दिमाग में। तो विंग कहता है उठाऊँ मैं कैसे उठाऊँ। वांग जी कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, तो मुझे कैसे उठा सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हें उठाऊंगा ना। जहाँ पे विंग जस लांसन को देखता है और कहता है कि हाँ ये आपने सही कहा, आप मुझे उठाओगे ना कि मैं। जहाँ पे लांसन जस एक स्माइल करते हुए देख रहा था हमारी विंग को। जिसके बाद लांसन कहता है कि चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ जाओ। जिसके बाद जो है ना लांसन फ्रेश होने के लिए जा चुका था क्योंकि आज इन लोगों को क्लाइंट में वापस जाना था। तभी विंग के रूम में कोई एक डिसिपल जो थी ना वो नॉक करती है, जिसके बाद वो विंग के पास आती है। विंग उनको देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। जहाँ पे वो डिसिपल कहती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी थी, वो अभी कोई यहाँ पे कुछ संभालने के लिए नहीं है ना, इसके रिगार्डिंग मुझे आप किससे बात करनी थी, क्या प्लीज़ आप मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है बट क्या बात करनी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो कहती है कि वो ना किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके कारण आप चल सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि आह ठीक है एंड विंग वांगजी की ओर देखता है जहाँ पे वांगजी वॉशरूम में गया था। जहाँ पे वो कहती है कि बस 5 मिनट का काम है, आप चल सकते हो। जहाँ पे विंग जस उसे देखता है क्योंकि ये न्यू वाली डिसिपल थी, तो विंग जस उसके साथ चला जाता है। देन हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कमरे को खाली देखता है तो वो कहता है कि क्या विंग चला गया। वांग जी जल्दी जल्दी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो है ना वो उधर आ जाता है जहाँ पे जियांग फेमैन के सामने आकर उन्हें ग्रीट करता है एंड आकर बैठता है और इधर उधर विंग को ढूंढता है। जहाँ पे जियांग फेमैन कहते हैं विंग कहाँ है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग तो यहाँ पे आया था ना। जहाँ पे जियांग फेमैन कहते कि नहीं, यानली भी कहते कि अभी तक तो आशन आया ही नहीं। जहाँ पे वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहते क्या विंग, और जियांग फेमैन कहते शायद से विंग कहीं मार्केट में कहीं हमारे क्लाइंट में ऐसे ही घूम रहा होगा, वो अपने तालाब के पास वगैरह गया होगा। जहाँ पे वांग जी कहते क्यों, तो जियांग फेमैन कहते विंग को तालाब के पास जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए शायद से वो वहाँ पे गया होगा। जहाँ पे मैं अपने कुछ डिसिपल को बुलाकर उसे बुलाने के लिए कहता हूँ। वांग जी कहते कोई बात नहीं, मैं जाकर लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो है ना विंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। जहाँ पे जियांग फेमैन भी बता देते कुछ डिसिपल को एंड जो थे ना वो डिसिपल को बता देते एंड डिसिपल भी जो ना विंग को ढूंढने के लिए चले जाते। यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी ढूंढने के लिए जा चुका था विंग को, बट हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को इधर से उधर ढूंढता बट उसे समझ में नहीं आता। आखिरकार डिसिपल जो है ना जियांग फेमैन के पास आते और कहते कि विंग हमें कहीं पर भी नहीं मिला है। जहाँ पर जियांग फेमैन कहते क्या, वो जियांग फेमैन खुद बाहर निकलते ही यानली भी आती है और विंग को वो लोग ढूंढना स्टार्ट करते। सारे डिसिपल लोगों को बता दिया जाता है कि विंग कहाँ है करके पूछे जा रहे थे एंड विंग को ढूंढे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, विंग कहाँ है कहाँ है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग तुम ठीक हो ना, हाँ, ऐसे ही वांग जी सोच रहा था एंड सारे लोग जो ना इधर उधर से ढूंढ रहे थे हमारे विंग को बस, बट हमारा विंग उसे यहाँ वहाँ नहीं मिल रहा था। कहीं पे भी हमारे विंग का ना आता था ना पता था, कुछ भी नहीं था। जिसके कारण जो है ना जियांग फेमैन के थे उसे बाहर ढूंढो, जाओ मार्केट में जाओ, विंग को ढूंढो, विंग कहाँ चला गया, कहाँ, विंग बिना बताए तो कहीं जाता नहीं है, हाँ कहाँ चला गया, ऐसे सब लोग सोच रहे थे और विंग को जस्ट कंटिन्यूसली ढूंढा जा रहा था बट विंग उन लोगों को नहीं मिल रहा था। बट तभी एक डिसिपल आती है एंड वो कहते कि मैंने मैंने विंग को जो है ना एक डिसिपल के साथ जाते हुए देखा था,
बट वो डिसिप्लिन मुझे नई नई लग रही थी। जहाँ पे जहाँ पर मैंने देखा कहाँ, तो कहते कि वो तालाब के पास गए थे वहाँ पे नाव में बैठ के कहीं, तो मुझे नहीं पता है। जहाँ पे जो जियांग फेमैन कहते क्या, और जियांग फेमैन जस जितने भी नावी लोग थे जो तालाब के किनारे दूसरे किनारे तक पहुँचाते थे, उन सारे लोगों से बात करता है। देन जो वो थे ना, वो बताते कि हाँ विंग को हमने देखा है करके, विंग एक डिसिपल के साथ जा रहा था करके, जब बट विंग कुछ भी मूव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहीं, बस उनकी चुपचाप से आकर वो बोट पर बैठ चुका था, वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। जहाँ पे जियांग फेमैन कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है कि हमें लगा था कि विंग जो मार्केट में जा रहे होंगे इसलिए। जहाँ पे जियांग फेमैन कहते तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था, तो कहता है कि तालाब के दूसरे किनारे। जिसके बाद जो है ना जियांग फेमैन वांग जी को बताते, जिसके बाद वांग जी जियांग फेमैन सभी लोग जो उस साइड निकल जाते हैं, विंग को ढूंढने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी की दिल की धड़कन जो ना तेज़ हो रही थी, उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग के इमोशन उसे फील हो रहे थे इसके कारण, वो डरा हुआ था। वांग जी कहते क्या हुआ है विंग तुम्हें, तुम ठीक रहना, बस ठीक रहना, ऐसे ही वांग जी कह रहा था। अब हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग की धीरे धीरे आँखें ओपन होती है। आँखें ओपन होने के बाद वो खुद को बंधा पाता है पूरी तरह से, वो बंधा हुआ था। जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे देखने के बाद सामने उसे मैडम यू नज़र आती, जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को घूर के देख रही थी। जहाँ पे विंग होश में आ चुका था, जो मैडम यू देखती ना, मैडम यू जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती विंग आ गए तुम होश में, हाँ तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है, अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं आते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब तुम्हारी गलती है, सब तुमने बर्बाद किया है, मेरी फैमिली को तुमने बर्बाद कर दिया है, मेरे बेटे के प्यार को तुमने छीन लिया है, कुछ भी नहीं तुमने मेरे प्यार को भी छीन लिया है। ऐसे वो विंग से, विंग कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मैडम यू जो थी ना, वो विंग के पास आती है एंड विंग के बालों को खींचती है, विंग जो ना पूरी तरह से बंधा हुआ था, विंग के बालों को खींचती है और विंग के सर को ऊपर करते करते, अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, हाँ कुछ भी नहीं, तुम्हारे कारण हम आज ऐसी हमारे ऊपर कगार आई है कि हम घर से बाहर, हमें क्लैंड से बाहर निकाल दिया गया है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, बस तुम्हारे कारण, अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। जहाँ पे मैडम यू कहते, जब मैंने तुम्हें कहा था लास्ट टाइम झुकाने के लिए, तुमने ऐसा किया होता ना, आज ऐसी ही नौबत नहीं आती, सब कुछ ठीक होता, मैं भी क्लैंड में होती और तुम भी, ऐसा कुछ नहीं होता, आज मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पे लाना नहीं पड़ता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे जो है ना वो कह रही थी। जहाँ पे विंग कहते प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़, ऐसे वो कह रही थी। विंग बस रो रहा था एंड मैडम यू कहती कि बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं मार डालूँगी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसे कहते हुए मैडम यू जो इतने अपना चाबुक जो था ना उसे निकालती है एंड विंग के आजू बाजू जैसे घूमते हुए जो ना उसे अपने हाथ में रैपर हाथ में घुमाती जा रही थी। जहाँ पे विंग कहते प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे मैडम यू कहते बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते मैडम यू थोड़ा सा दूर जाती हैं, ज़ोर से विंग के ऊपर चाबुक का वार कर देती है, जिसके बाद विंग को फिर से चाबुक लगता है एंड विंग के बॉडी से धीरे धीरे जो होता है ना चाबू का एक निशान बन जाता है, तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे मैडम यू कहते सब तुम्हारी गलती है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये तुम्हारे कारण ही हो रहा है, अगर तुम हमारे लाइफ में नहीं आते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, ना मेरा हस्बैंड मुझसे दूर होता, ना मेरा बेटे का प्यार उससे दूर होता, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, सब लोग तुम्हें ही अटेंशन देते हमेशा से, मैंने तुम्हें कितनी बार जो है ना लोगों से दूर करने की कोशिश की है, बट पता नहीं तुम इतने ज़्यादा लकी हो कि सारे लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं, बट आज ऐसा नहीं होगा, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं, आज तुम्हें मैं मार के रहूँगी, ऐसे कहते हुए जो ना मैडम यू फिर से अपने चाबुक से विंग के ऊपर फिर से एक वार करती है, जिसके कारण जो था ना विंग को बहुत ज़ोर से चोट लगती है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है एंड विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती जा रही थी। इस तकलीफ़ को दूसरी तरफ हमारा वांग जी भी महसूस कर पा रहा था, पूरी तरह से वो महसूस कर पा रहा था, बट वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था विंग के साथ क्या हो रहा है, विंग इतना ज़्यादा तकलीफ़ में कैसे है, क्या हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा था एंड डिसिपल सभी लोग जो है ना विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे, वो किनारे के साइड में आ चुके थे, सब लोग हमारे विंग को ढूंढते जा रहे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी भी खुद वो सोच रहा था विंग तुम कहाँ हो, ऐसे वांग जी सोच रहा था। जहाँ पे विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जहाँ पे विंग की मैडम यू एक भी बात नहीं मानती है बिल्कुल भी नहीं एंड विंग जो साइड में जो एक लड़की खड़ी हुई थी, जिस लड़की के साथ हमारा विंग जो आया था ना यहाँ पे, तो वो लड़की जिस
वहाँ पे खड़ी थी शांतली, वो जस्ट देख रही थी, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जो जियांग चैंग जो था ना वो खाना खा रहा था, कह सकते फल जो रहते हैं ना, फल खा रहा था एंड बस देख रहा था, वो भी कुछ भी नहीं कह रहा था। एंड मैडम यू जस्ट फिर से अपने चाबुक को फिर से रेडी करती है एंड देन थर्ड टाइम भी विंग के ऊपर वार करती है, जिसके कारण विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। इसके कारण जो ये वॉइस थी ना वो थोड़ा सा गूंजती है एंड थोड़ा सा जो ना जियांग फेमियन एंड वांग जी को ये वॉइस महसूस होती है। जहाँ पे जियांग फेमियन कहती है ये तो विंग की वॉइस है, हाँ क्या क्या हुआ है, वो इतने ज़ोर से चिल्लाया क्यों है। हाँ वांग जियांग फेमियन कहते जल्दी ढूंढो, और वांग जी कहते विंग विंग ऐसा कहते, जो ना वांग जी भी ढूंढना स्टार्ट करते, वो स्पीडली विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुका था, वो जस्ट विंग को जल्द से जल्द वो ढूंढना चाहता था। देन ऐसे ही चल रहा था जहाँ पे मैडम यू एक जो ना टनल टाइप कह सकते यानी गुफा कहते हैं उसे, तो गुफा के अंदर मैडम यू ने विंग को वहाँ पे कैद करके रखा था। मैडम यू जो विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे, यहाँ तक कि उसके बॉडी के जो कपड़े थे ना वो फट चुके थे, देन वहाँ से ब्लड निकल रहा था क्योंकि मैडम यू ने उसके ऊपर 3 बार चाबुक से वार किया था इसके कारण। जहाँ पे मैडम यू कहती कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही थी, मेरे प्यार को छीनने की कोशिश कर रही थी। हाँ सिर्फ पूरी जो गलती है ना तुम्हारी माँ की है, तुम्हारी माँ को ऐसा बेटा पैदा ही नहीं करना चाहिए था, सब तुम्हारी माँ की गलती है। ऐसे ही जो है ना विंग से मैडम यू कहती जा रही थी और विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से, सारी तरह से उसे पेन मिलते जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैडम यू जस्ट विंग को देख रही थी तभी जो जियांग चांग था ना वो उठ जाता है। उठने के बाद जियांग चांग जो उसके हाथ में अभी तक वो चाकू से जो चीज़ काट कर फल काट कर खा रहा था ना, वो उठते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारे चेहरे की गलती है, तुम्हारी खूबसूरती को देखने के बाद मैं जिससे प्यार करता था तुमने उसे मुझसे छीन लिया, हाँ ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। ऐसे कहते हुए जो है ना जियांग चांग उस चाकू को लेके आता है एंड विंग के फेस के पास आता है एंड विंग के फेस पे कट लगा देता है, जिसके कारण विंग जोर से चिल्लाता है। जहाँ पे जो जियांग चांग था कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारे इस फेस की गलती है, हाँ इस फेस को मैं आज छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे मैडम यू जस्ट जो है ना विंग को एक डिस्कस्ट लुक से देख रही थी है ना, विंग को जियांग चांग जो था ना उसके फेस के ऊपर बहुत सारे कट लगाना स्टार्ट कर चुका, यानी वो सेकंड कट विंग के चिक्स के पास लगाता है और कहता है कि ये तुम्हारा गंदा सा फेस, हाँ सबको यही पसंद आता है ना, हाँ इसलिए तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन दिया, तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के फेस पे थर्ड वाला जो कट था ना उसके जो फोरहेड पे ऐसे लगा देता है, जिसके कारण जो है ना विंग चिल्लाता है, बस चिल्लाता है। जहाँ पे जो जियांग चांग कहता है कि जाओ वो लेके आओ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लेडी जो लड़की थी ना वो डिसेबल, वो कहती है कि ठीक है एंड वो लड़की कुछ लेके आती है वाइट कलर का एंड उसके बाद जो जियांग चांग जो था ना वो अपने हाथ में पकड़ता है एंड देन विंग के घाव पे ऊपर लगाना स्टार्ट कर देता है। और विंग को इससे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही, और विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था जियांग चांग था, हाँ ऐसे ही चिल्लाओ जितना हो सके उतना चिल्लाओ, और चिल्लाते तुम मर जाओ, मैं यही चाहता हूँ, ऐसे कह रहा था। एंड विंग के जो घाव थे ना घाव के ऊपर उस नमक को छिड़कते जा रहा था पूरी तरह से, और विंग को बहुत बुरी तरह से जलन हो रही थी, बहुत बुरी तरह से विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था। एंड इस वॉइस को जो जियांग फेमियन यान ली वांग जी सब लोगों ने सुन लिया था, जिसके बाद वांग जी जस्ट जहाँ से वॉइस आ रही थी उस डायरेक्शन में जल्दी जल्दी जो ना वो दौड़ते हुए जा रहा था, वो जल्दी भाग रहा था। सारे लोग भी उस डायरेक्शन में भाग रहे थे क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की वॉइस आ रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी इसके कारण। एंड आखिरकार वो लोग उस टनल के पास आ चुके थे और वांग जी कहते हैं ये टनल के अंदर, विंग बस तुम ठीक रहना, बस ठीक रहना, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी जल्दी से उस टनल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर चुका था, सारे लोग जिस टनल के अंदर जल्दी जल्दी एंटर कर रहे थे। और जब एंटर हो रहे थे ना तो मैडम यू को जिस कदमों की वॉइस आती है, मैडम क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन आया, ऐसे मैडम यू सोचती है। और जियांग चांग का हाथ पकड़ते हुए जिस कहती कि चलो, ऐसे कहती जियांग चांग कहते माँ मुझे उसे मारना है, माँ मुझे उसे मारना है। और जो है ना जियांग चांग ऐसे चिल्ला रहा था एंड तब तक यहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो आ चुका था। वांग जी जैसे ही आता है विंग को देखता है, उसे देखने के बाद जो वांग जी जो था ना वो पूरा शॉक हो चुका था। विंग के दोनों हाथ जो दूसरे डायरेक्शन में बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे एंड विंग जस्ट बीच में ऐसे ही खड़ा था, जिसे देखने के बाद वांग जी पूरा शॉक। और वांग जी जल्दी से आता है और कहते हैं विंग। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन वांग जी को देखता है और कहता है लांसान ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वांग जल्दी जल्दी विंग के हाथों पैरों को खोल देता है एंड विंग को अपने पास पकड़ता है। जहाँ पे लांसान ये देखता है एंड तब तक जियांग फेमियन के जो डिसेबल थे ना उन्होंने मैडम यू एंड जियांग चांग को घेर लिया था, बुरी तरह से घेर लिया था। जहाँ पे मैडम यू जो है ना थोड़ा सा डर चुकी थी, जहाँ पे जियांग फेमियन जो विंग की ऐसी हालत को देखता है ना वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। देन
उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे हीलर्स के पास विंग था, बहुत सारे हीलर्स आए थे और विंग को चेक कर रहे थे। पहले विंग के घाव को पूरी तरह से क्लीन किया गया था, विंग के घाव पे मलम कर दिया गया था एंड विंग इन सारे चक्कर से इतने ज़्यादा पेन से वो जो ना बेहोश हो चुका था। वहाँ जीसस विंग के पास था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि विंग के साथ विंग वो बहुत वांग जी को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था उसके ओमेगा के साथ ये हुआ है करके। जिसके बाद वांग जी बस अब मैडम यू को किसी भी तरह से वो सज़ा देना चाहता था, क्योंकि विंग को जैसी सज़ा मिली है उनको भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ पे हम दूसरी तरफ जियांग फेमियन को देखते हैं, जहाँ पे जियांग फेमियन जो सभा के अंदर बैठे हुए एंड मैडम यू एंड जियांग चांग को जो है ना बेड़िया पहनाई दी है, मैडम यू और जियांग चांग वहाँ पे जस्ट नील डाउन होकर बैठे हुए हैं। जहाँ पे जियांग फेमियन कहते हैं, मैंने तुम्हें इतनी आसानी से जाने का मौका दिया बट नहीं, तुम कभी सुधरने नहीं वाली हो यू, तुम कभी सुधरने नहीं वाली हो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे उम्मीद ही क्या कर ली कि तुम्हें मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो शायद से तुम थोड़ा सा सुधर जाओगे, बट नहीं, तुमने ये जो किया है ना आज इसकी कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है बिल्कुल भी नहीं, इसकी तुम्हें सज़ा होगी, बस सज़ा जो तुमने विंग के साथ जो किया है ना वो सब मैं तुम्हारे साथ करूँगा। ऐसे कहते हुए जो है ना जियांग फेमियन जस्ट अपने डिसिपल को देखता है एंड देन चाबुक लाने के लिए कहता है। जहाँ पे जो मैडम यू कहती, मैडम यू कहते अल्फा मैं आपके ओमेगा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ओह आपकी मैं ओमेगा हूँ, पर जियांग फेमियन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कहता है ऐसी ओमेगा होने से अच्छा होता कि मेरे पास कोई ओमेगा ही ना होता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हैं जियांग फेमियन जस्ट चाबू को ज़मीन पर मारते हैं एंड सारे लोगों के सामने मैडम यू के ऊपर वो चाबू चला देते हैं, जिसके कारण मैडम यू धड़ांग से नीचे गिर जाती है। एंड जियांग फेमियन कहते तुम भी चेंग उसके साथ मिले हुए थे ना, हाँ यू की बातों को मान रहे थे, मैंने सोचा था यू बाहर जाने के बाद से तुम कुछ अच्छा सा काम करोगी, बट नहीं तुमने अपने बेटे को भी वैसा ही सिखा दिया। जहाँ पे मैडम यू कहते ये हमारा बेटा है। जहाँ पे जियांग फेमियन कहते मेरा ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो मेरी बातों को ना सुने, हाँ मुझे ना समझे, मेरी तरह तो उसमें कोई भी गुण ही नहीं है। ऐसे जियांग फेमियन कहते एंड जो जियांग चांग के ऊपर भी चाबुक से वार करते, जिसके कारण जियांग चांग के भी मुंह से खून आ रहा था, बट ये जियांग चांग ऐसे ही बैठा था। जियांग चांग कहते कि आप भी मेरे पिता नहीं हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप जैसा पिता मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहता है तभी यानली खड़ी हो, क्या कहा तुमने चेंग, हाँ ऐसे कहते यानली वहाँ पे आती है, चेंग के गाल पे ज़ोर से स्लैप लगाती है और कहती है मुझे तुम जैसे भाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। ऐसा कहते जहाँ पे जियांग चांग कहते कि आप भी मेरी सिस्टर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर नहीं, कोई भी मुझे समझ नहीं पाया, मुझे जस्ट वांग जी चाहिए था वांग जी, बट उसे भी आपने विंग को दे दिया, हाँ विंग को दे दिया। तभी वहाँ पे वांग जी भी आ चुका था, वांग जी आने के बाद ये सब सुनता है ना तो वांग जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वांग जी जो था ना वो जस सबको देखता है। जहाँ पे सारे लोग सभा के लोग जो थे ना वो वांग जी को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी आता है एंड जियांग फेमियन के हाथ से जो चाबुक था ना वो अपने हाथ में ले लेता है। जियांग फेमियन जस वांग जी को देख रहे थे बट वांग जी तभी चाबुक से भड़ा भर जो है ना मैडम यू एंड जियांग चांग के ऊपर वार करना स्टार्ट करते, बहुत ज़्यादा स्पीडली वो वार करते जा रहा था। मैडम यू एंड जियांग चांग जो दर्द से चिल्ला रहे थे, रुकने के लिए कह रहे थे बट बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं क्या सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी बस उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड ली जब तक उसकी भड़ास नहीं निकल जाती, क्योंकि विंग को इतना जो दर्द दिया है उसके चेहरे पे, उसके बॉडी पे जो दर्द दिया ना वो वांग जी इन सब इनको देना चाहता था, इसलिए वांग जी कंटिन्यूसली मार रहा था। और जियांग फेमियन जस्ट अपनी नज़रों को पीछे कर देता है और यानली वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए बट वो उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, पिताजी बोल रहे भाई था तो थोड़ा दुख तो होता है ना, बट उन लोगों ने जो किया है उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है। वो लोग ऐसे ही सोचते हैं जो ना उधर उधर देख रहे थे, सभा के लोग जो थे ना ये वांग जी का गुस्से को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी के जो डार्क फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे एंड देन वो बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली तरीके से जो ना उनको मारते जा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, उनके बॉडी से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे आखिरकार मैडम यू जस्ट वांग जी के पैरों के पास कैसे भी पोस्टर करते, प्लीज़ माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें जा रहे, तो प्लीज़। जहाँ पे जियांग चांग भी हमारे वांग जी के पैर के पास आ चुका था और वो भी ऐसे ही कह रहा था, बट वांग जी का गुस्सा शांति नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी के जो फेरोमोन्स थे ना इसके कारण मैडम जी को जो ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैडम जी कहते प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी जैसे उन लोगों को देख रहा था, वांग जी फिर से अपने हाथ में उस चाबू को जो है ना ऐसे घुमा कर बांध देता है एंड देन उसके बाद उन लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जहाँ पे मैडम यू कहती प्लीज़ और मैडम यू जो ना अपने हाथ पैर घिस रही थी जिससे वो माफ़ी मांग सके, बट नहीं बिल्कुल भी नहीं, वांग जी उन लोगों को माफ़ नहीं करने वाला था, वो कैसे करेगा भला, हाँ उसके प्यार को
उसके विंग को इन लोगों ने चोट पहुँचाई है, वो कैसे माफ करेगा। वांग जी फिर से उन लोगों के ऊपर वार कर देता है एंड सेकंड बार जो वार करने वाला था तभी कहते हैं कि जांफू, ऐसी वॉइस आती है जहाँ पे वांग जी तभी रुक जाता है क्योंकि बस यहाँ पे इन दोनों की चिल्लाने की वॉइस थी, देन किसी की वॉइस नहीं थी और वहाँ पे अचानक से हमारे विंग की वॉइस आई थी। तो वांग जी इधर उधर देखता है, तब उसे नज़र आता है कि विंग दो डिसिपल्स के साथ वहाँ पे आ रहा है करके। वांग जब ये देखता है ना, जल्दी से हाथ से अपने हाथ से चाबू को फेंक देता है, देन वो दौड़ते हुए जाता है हमारे विंग के पास और कहते विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ जहाँ पे विंग कहते प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ ये मत करिए। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस उनको उनके कहे का सजा दे रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए अल्फ़ा, आप मत करिए, रहने दीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग पहले तुम चलो। जहाँ पे विंग कहते मुझसे प्रॉमिस करिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को अभी कुछ नहीं कहेंगे और ना किसी के साथ कुछ करेंगे, समझ गए। जहाँ पे वांग जी जस विंग को देखता है और कहता है कि हाँ तुम चलो, बस तुम चलो, तुम रेस्ट करो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जल्दी से विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद वो वांग जी विंग को लेके जा रहा था। जहाँ पे वांग जी थे, विंग तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। विंग जस वांग जी को देख रहा था और कहता है कि मैं अपने जांफू के हाथ से किसी का खून होते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आपको गिल्ट हो कि आपने जो कुछ भी किया। तो वांग जी कहता है मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी, मुझे भला इन सारी चीज़ों का गिल्ट कैसे हो सकता है। विंग बस तुम खुद का ख्याल रखो, मैं यही चाहता हूँ। जहाँ पे विंग जिस कहता है कि मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम कहीं से भी ठीक नहीं हो विंग, ऐसे झूठ बोलना बंद करो, ऐसे कहता है। वांग जी जस विंग को कमरे में लाकर लिटा देता है और हीलर्स को आकर चेक करने के लिए कहता है। और वांग जी हीलर्स के ऊपर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने उसे जाने ही क्यों दिया। जहाँ पे हीलर्स कहते हैं कि जैसे ही विंग के पास एक डिसिपल आया बताने के लिए कि मैडम यू एंड उनको बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है करके, तो विंग ने कहा कि मुझे जाना है, वो ज़बरदस्ती कर रहा था एंड वो दवाई लेने से भी मना कर रहा था, इसके कारण हमें उन्हें जाने देना ही पड़ा। दो डिसिपल के साथ हमारा विंग वहाँ से निकल गया था। विंग वांग जी को बार बार समझाता है कि आप मत चिल्लाइए, ये मेरी गलती थी। बट वांग जी उन जो हीलर्स के ऊपर भी चिल्लाते हैं क्योंकि उन लोगों ने गैर जिम्मेदारी की थी ना हमारे विंग को वहाँ से जाने देकर। इसके बाद जो है ना, विंग के पूरे घाव को फिर से हील किया जाता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी उस विंग के पास बैठता है और विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी अपना देना कंटिन्यू रखता है जिससे विंग के घाव जल्दी जल्दी हील हो सके। जिसके बाद वांग जी मन में कहता है कि हमें गुसू जाना ही होगा। गुसू में जाने के बाद जो है ना, कोल्ड केफ में जाके जल्दी से विंग के घाव हील हो जाएंगे। वांग जी यही सोचता है। देन वांग जी जस विंग को देखता है और विंग को दवाई लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वो विंग को अच्छे से दवाई खिलाता है। देन उसके बाद विंग सो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी जस विंग को गोद में लेके था, जहाँ पे वांग जी कह रहा था कि वो आज यहाँ से चला जाएगा करके। जहाँ पे विंग जस वांग जी की बात को सुन रहा था क्योंकि हाँ, अब वांग जी की उसकी बात को सुनना ही होगा, वो मना नहीं कर सकता है बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग जस अपने अंकल को गुड बाय कहता है, यानली को भी गुड बाय कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से नाव के तरीके से निकल चुके थे। देन उसके बाद वो लोग कुछ 6-7 घंटे का सफ़र तय कर जस गुसू में वापस आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी ने विंग को अब तक जस गोद में पकड़ा हुआ था और वांग जी जस विंग को गोद में उठाते हुए लेके जा रहा था। एंड जो है ना, ये संदेश हमारे लैंड कुरियन के पास और शीशानग के पास पहुंच चुका था और शीशानग को पता चल चुका था विंग के साथ क्या हुआ है करके। देन शीशानग ने उनके जो बेस्ट हीलर थे ना, उन सारे हीलर्स को तैयार कर दिया था। जहाँ पे विंग जस वांग जी को हक करे हुए था, यानी हक करना मतलब उसके गोद में था और विंग ने अपने हाथों को जो ना वांग जी के नेक में रखा हुआ था और विंग का चेस्ट जो था ना वांग जी के सर चेस्ट के पास था। ऐसे करते हुए वो लोग जो ना लैंड में पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद जो विंग को फिर से बेड पर लिटाया जाता है एंड हीलर्स जो थे लैंड प्लान के, वो सारे हीलर्स विंग को पूरी तरह से चेक करते हैं। जहाँ पे चिया जो हमारे कुरान थे ना, वो कहते हैं कि ये सब किसने किया। हाँ मैंने जो सुना, क्या वो सच है वांग जी, क्या वो उसी औरत ने किया है। तो वांग जी हाँ में सिर रहा था। जहाँ पे कुरान कहते हैं मुझे इतनी सच में मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यू से कि वो ऐसा कर सकती है करके, एक छोटे से बच्चे को ऐसे किस तरह से ऐसे कौन करता है भला। जहाँ पे जो वांग जी कहता है कि अंकल अब विंग के सामने प्लीज़ ये बातें मत करिएगा, मैं नहीं चाहता कि विंग इन सारी चीज़ों से हर्ट हो। जहाँ पे कुरान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना, जिसके बाद हमारा वांग जी विंग का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। वो डेली विंग के जो दवाइयाँ थी, वो पट्टियाँ जो थी ना, वो चेंज करता था, उस पर मलम लगाता था, विंग को खाना खिलाता था, विंग के फेस के ऊपर जो लाइन्स बन चुकी थी क्योंकि जैंग चैंग ने उसके फेस को कट लगाया था इसके कारण, तो वो वांग जी उन्हें भी चोट लगाता था। जहाँ पे विंग वांग जी से कहता है कि अब मैं खूबसूरत नहीं दिखता हूँ ना, हाँ
है ना, मैं खूबसूरत नहीं दिख रहा हूँ ना, है ना वांग जी, मैं खूबसूरत नहीं दिख रहा हूँ ना। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों से आंसू पहुँचते रखते थे, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अभी भी बहुत ज़्यादा हो ब्यूटीफुल हो माई क्यूट ओमेगा वाइफ, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो विंग, क्यूट एंड अडोरेबल माई क्यूट ओमेगा वाइफ, ऐसे विंग को हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वांग जी कहते हैं नहीं विंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो, ठीक है। ऐसे वांग जी कहते हैं, विंग के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से। जिसके बाद जो है ना वांग जी कंटिन्यूसली विंग का ख्याल रखता है, देन जैसे कि उसके बोन्स को ट्रीट करना, उसे खाना खिलाना, उसे थोड़ा वो जो ना ऐसे ही अपने गोद में उठाकर घुमाने लेके जाना, ये सारी चीज़ें हमारा वांग जी करता था। जहाँ पे विंग को भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, हमारा वांग जी जो कुछ भी करता था तो। एंड विंग को जो ना कोल्ड पॉन में लेके जाकर उसे पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर वांग जी हक करके ऐसे ही रहता था, विंग को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लगता था बट फिर भी हमारा वांग जी उसे ऐसे ही रखता था। देन ऐसे ही करते हुए जो ना ये विंग के हीलिंग का टाइम बीते जा रहा था। एंड अभी गुसु में स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुकी थी, स्नोफॉल हो रही थी, जहाँ पे वांग जी ने विंग को पूरी तरह से गर्म गर्म कपड़े पहना दिए थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे बाहर जाना है, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम अभी भी ठीक हुए हो, हाँ तुम बाहर नहीं जा सकते हो। विंग कहता है मुझे जाना है, जहाँ पे वांग जी कहते नहीं मैंने कहा ना, विंग कहता मुझे जाना है, मुझे गुसु की फर्स्ट नो देखनी है, मुझे जाना है। वांग जी कहते विंग, विंग कहता प्लीज़ मुझे जाना है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते आह ठीक है तुम जस्ट डोर के पास बैठोगे, ठीक है वहाँ से कहीं नहीं जाओगे। विंग कहते कि बट मैं स्नो से खेलना चाहता हूँ। वांग जी कहते विंग तुम्हारे अभी अभी घाव तो हील हुए हैं। जहाँ पे विंग कहते बट मैं ठीक हूँ ना, जम्फू आप क्यों सुन नहीं रहे हो, अल्फा आप क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी जस विंग को देखते रहते, तुमसे जितना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी जस विंग को बाहर लेके आता है, जहाँ पे अभी विंग चल सकता है, पहले भी वो चल सकता था बट इतना था कि उसको चोट लगी थी ना, वांग जी उसे खुद चला नहीं रहा था, उसे चलने के लिए मना कर रहा था। देन वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग बाहर आने के बाद जो है ना देखता है स्नो गिर रही थी, उसे देखने के बाद विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। और वांग जी जब विंग के फेस पे स्माइल देखता है ना, उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है विंग के फेस पे स्माइल देखने के बाद। जिसके बाद विंग कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते जो विंग दौड़ती हुई जो ना वहाँ पे स्नोफॉल में चला जाता है और विंग घूमने लगता है। जब वांग जी ये सब देखता है, वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग को ऐसे देखता है। एंड विंग जस्ट घूम रहा था, उसे स्नोफॉल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कहता है कि जाम्फू आप यहाँ चाहिए ना, जाम्फू आइए ना, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की बातों को मानता है, देन वो भी आ जाता है और विंग जस वांग जी के साथ जो है ना डांस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी विंग विंग कहता है जहाँ वो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए आसमान की ओर देखिए कैसे स्नो गिर रही है। जहाँ पे वांग जी और विंग उस स्नो में ऐसे ही नॉर्मली खेल रहे थे। देन उसके बाद वांग जी विंग को अंदर लेके आता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी थी। जिसके बाद वांग जी विंग के लिए एक टी बनाता है, जहाँ पे वो विंग को टी दे देता है। जहाँ पे विंग के ऊपर जो ना पूरी तरह से बिस्तर डाला हुआ था, कंबल वगैरह डाला हुआ था, एंड विंग को पूरी तरह से वो जिन्हें एक बॉल बन चुका था, ककून बन चुका था। वांग जी वहाँ पे आता है, ये लो, विंग कहते मैं हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैंने कहा भी था मत जाओ मत जाओ, देखो क्या हो गया। विंग कहते मुझे 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 ना जुकाम हो गया, ऐसे वांग जी कहता है। और कहता है मैंने कहा भी था ना तुमको। विंग कहता है माफ़ करना ना, रोज़ रोज़ थोड़ी ना स्नोफॉल होती है। वांग जी कहते हैं अब तो रोज़ रोज़ होने वाली है विंग, 3 महीने तक कंटिन्यूसली गुसु में स्नोफॉल होगी। विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग कहते ये बहुत अच्छी बात है, मैं रोज़ खेलूँगा। वांग जी कहते क्या कहा? विंग कहता हाँ, नहीं 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 हाँ। तो वांग जी कहता है चलो ये लो, ऐसे कहते हैं जो वांग जी उसे कॉफ़ी बोल रही है यार, चाय को पिलाता है, टी को पिलाता है। हमारा विंग नॉर्मली पीते हो, कहता हाँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने ज़्यादा ठंड के बाद गर्म गर्म चीज़ पियोगे तो। तो विंग कहता हाँ ये तो आपने सही कहा, ऐसे कहता है। एंड विंग कहता आप नहीं पीने वाले? वांग जी कहते नहीं मुझे आदत है विंग, तुम नए हो यहाँ पे इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं। विंग जस वांग जी को देखता है और कहता है कि एंड विंग पूरी तरह से टीको पीने के बाद जो ना विंग ऐसे ही ककुन बना हुआ था। तो वांग जी कहते विंग सोना नहीं है क्या? तो विंग कहता है मैं सो तो रहा हूँ। तो वांग जी कहते ऐसे ही ककुन बन के सोने वाले हो? तो विंग कहता हाँ मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है कि ओ मेरी विंग को ठंड लग रही है? हाँ। विंग कहता है कि हाँ मुझे ठंड लग रही है। तो वांग जी कहते चलो आज मैं विंग को गर्म कर देता हूँ। विंग कहता हाँ कैसे? तो वांग जी कहते अभी बताता हूँ तुम्हें, ऐसे कहते हो जो ना विंग के ऊपर से वो जो है ना पूरी तरह से कंबल को निकाल देता है। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो, बट वांग जी अपने ऊपर कंबल ले लेता है एंड विंग को बेड पर लिटा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी को बस देख रहा था, वांग जी जस विंग के ऊपर था। देन उसके बाद वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग को जब महसूस होता है ना वांग जी के जो हॉट से किस,
महसूस होता है ना, तो विंग भी उसे किस बैक करना स्टार्ट करते थे और कंटिन्यूसली वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। एंड वांग जी ने विंग के कपड़ों को रिमूव कर दिया था। उन दोनों के कपड़े बिस्तर के साइड में पड़े हुए थे एंड उन दोनों कंबल के अंदर थे। उन दोनों का हॉट सा सेक्स स्टार्ट हो चुका था एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था हमारा वांग जी का नाम लेते हुए। उन दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी थी। विंग की गरम गरम सांसें वांग जी को फील हो रही थी और विंग को वांग जी की सांसें फील हो रही थी। जो कंबल के अंदर ये दोनों थे ना, वो पूरी तरह से वो गरम गरम हॉट हॉट सा वो कंबल बन चुका था। देन यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस हमारे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था, क्योंकि विंग उसके बॉडी के ऊपर जो ककून की बना ककून की तरह सो रहा था, पूरा ककून बन चुका था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी मन में कहता है कि हाँ विंग, ये तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यूट हरकतें क्यों करते हो, ऐसे वांग जी कहता है। एंड वांग जी के जो सॉफ्ट से स्वीट से हमारे विंग के जो फेरोमोन्स थे ना, वो महसूस कर पा रहा था। देन उसके बाद वांग जी जस उठा है, उठने के बाद जो ना बाहर जो स्नोफॉल हुई थी ना उसे देखता है और वांग जी देखता है कि पूरा जो गुसू था ना, वो उसके पेड़ पौधे जो थे ना, वो स्नो से भरे हुए थे। वांग जी ये देखने के बाद, ये इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद, वो जल्दी से अंदर आता है। देन वो विंग को उठाता है, विंग विंग उठो उठो विंग, हाँ क्यों ठंड ठंड लग रही है, जहाँ पे वांग जी थे, विंग चलो बाहर तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ, ऐसे कहते हुए वांग जी जो है ना विंग को अच्छे से जो है ना उसी कंबल में पूरा रैप करता है। देन विंग को उठाकर जस्ट बाहर लेके आता है गोद में पकड़ कर, जहाँ विंग कहते क्या, जहाँ पे वांग जी कहते देखो, ऐसे कहता है। जिसके भी बाद हमारा विंग बाहर जो घुसू का नज़ारा था ना, उस नज़ारे को देखता है एंड विंग पूरा देखकर शॉक था। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल घुसू लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ये घुसू लग रहा था। जहाँ पे विंग था वाओ ये सच में ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे वांग जी कहते हाँ, विंग कहता ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे कहता है। और विंग कहता मुझे जाना है, वांग जी उसे टाइटली पकड़ते तो क्या क्या कहा, विंग कहता मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे 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 स्नोफॉल में फिर से जाना है, मुझे 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 स्नोबॉल बनाने हैं। जहाँ पे वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे विंग कहता क्यों, वांग जी कहते मैंने कहा ना बस, मैंने सुना ना बस हो गया। जहाँ पे विंग जस वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, वांग जी कहते क्या, विंग कहता मुझे स्नोबॉल बनाने। जहाँ पे वांग जी कहते कि तुम्हें जुकाम हुआ है और तुम स्नोबॉल की बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे कहते वांग जी फिर से रिटर्न विंग को कमरे में लेके आ जाता है। देन उसके बाद जो है ना वो जो कमरे में हीटर था ना, हीटर मतलब जो है ना जैसे पुराने टाइम में घर रहते थे, घर को गर्म करने के लिए जो है ना घर के पिछवाड़े में जो है ना एक चूल्हा बनाया जाता था, देन उसके बाद वहाँ पे आग लगाई जाती थी, जिसके कारण जो ना घर पूरी तरह से गर्म होता था। तो सेम सिचुएशन हमारे वांग जी ने भी बनाई थी, इसके कारण जो जिंगशी था ना वो गर्म था, वो आम था। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग को बिस्तर पर ऐसे ही बिठा दिया था, जहाँ पे विंग जैसे उस कंबल को निकाल रहा था एंड कह रहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं क्यों नहीं स्नोबॉल बना सकता, हाँ बताइए। जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, कहा ना नहीं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे जाना है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जो है ना अपने ऊपर से कंबल निकाल कर जैसे दौड़ने वाला था, पर तभी वो रुक जाता है। जहाँ पे वांग जी जस विंग को देखता है एंड कहता है कि अच्छा जाओ। जहाँ पे विंग जल्दी से रिटर्न आता है, कंबल अपने ऊपर लेते, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं कपड़े नहीं पहना हो करके, तो मैंने रोप्स नहीं पहने करके, तो वांग जी कहते तुम्हें समझ में नहीं आता। तो विंग कहता कि आह, और वांग जी कहता अब तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो विंग, विंग कहते नहीं तो नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहते तुमने किया है, तुम देख रहे हो मुझे। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है कहते हाँ, तो वांग जी कहते तुमने मुझे सेड्यूस किया है विंग, अब इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलनी बनती है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग को बेड पे लिटा देता है। देन उन दोनों का हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। जब इन दोनों का हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे। देन विंग की आंखें भी चेंज हो रही थी, जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता। जहाँ पे विंग इस टाइम पे डिमांडेड होते जा रहा था, यानी वो डिमांड कर रहा था बहुत ज़्यादा हर वांग जी को। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ज़्यादातर कभी कभी ही डिमांड करता है, ज़्यादा नहीं करता है, बट अभी विंग बहुत ज़्यादा हार्डली डिमांड करते जा रहा था वांग जी से कि उसे चाहिए करके। वो कह रहा था वांग जी को बहुत ज़्यादा ब्रूटली वो किस करते जा रहा था, उसके नेक के पास आकर उसे बाइट करते जा रहा था, सब करते जा रहा है। विंग खुद ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। वांग जी विंग की आंखों को देखता है, वो जो ग्लो कर रही थी, हाँ ग्लो कर रही थी। वांग जी कहते क्या ये विंग की हीट तो नहीं है ना, वांग जी यही सोच रहा था, क्योंकि विंग को जस्ट 18 साल का हुआ, टाइम गुजर चुका है, तो विंग की फर्स्ट हीट हारना तो बनता है ना। तो यहाँ पे विंग का हीट आ चुका था, हीट साइकिल स्टार्ट हो चुका था। एंड वांग जी जब विंग को देखता है और विंग कहता है अल्फा अल्फा मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे विंग कहते जा रहा था। एंड वांग जी को कह रहा था कि वो और भी ज़्यादा करे करके। देन हमारा वांग जी समझ जाता है। उसके बाद इन दोनों का हॉट सा सेक्शन पूरी तरह से वन वीक के लिए ऐसे ही चलता रहता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। जब भी रुकता वांग जी जस खाना बनाता एंड विंग के लिए लेके आ जाता। एंड वांग जी ने जस एक जो लेटर जो रहता है ना,
उस लेटर के थ्रू हमारे कुरैन को बता दिया था कि विंग का हीट आया है करके, इसके कारण कोई भी इस जिंगशी के पास नहीं आ सकता ना कुछ भी, ऐसे बता दिया गया था। एंड इन लोगों का हीट साइकिल ऐसे ही चलता रहता है 7 दिनों तक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।